अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पालमपुर इकाई ने आज पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर धरना प्रदर्शन किया और प्रधानाचार्य महोदय के माध्यम से उपकुलपति महोदय को ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की है कि परीक्षा परिणाम में हुई जो गड़बड़ी है उसे जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया, विद्यार्थी परिषद और उग्र आंदोलन करेगी। सत्संगत सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पालमपुर जिला। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों की हकों के लिए अपनी मांग रखना चाहता हूं। जो हमारी मांगे हैं, अपनी पहली मांग करता हूं कि रूसा सिस्टम में छात्रों को रीचेकिंग और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान की जाए, क्योंकि बच्चे अपने अच्छा पेपर होने के बावजूद भी उन्हें अपग्रेड आ रहा है, उन्हें पुनर्मूल्यांकन किया जाए, उसे चेक करने का अधिकार दिया जाए, उसे रीचेकिंग का अधिकार दिया जाए। दूसरा मुद्दा है जो पासिंग परसेंटेज 45 की गई है, उस पासिंग परसेंटेज को 40 की जाए और असेसमेंट जो परसेंटेज 35 रखी गई है, दोनों को मिला के ही बच्चे पास हों, दोनों को मिला के बच्चे तो पास हो जाते हैं। पासिंग परसेंटेज 11 नंबर है बंदों, 11 लोगों को 11 नंबर आ जाते हैं, थ्योरी में 25 नंबर चाहिए, 25 नंबर आ जाते हैं, दोनों मिला के 36 नंबर बनते हैं, 36 नंबर तो ले लेते हैं, परंतु जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की जो क्राइटेरिया है 45 का, वो उसे 36 या 40 परसेंट किया जाए, जिससे बच्चों के रिजल्टों को क्लियर, वो बच्चे रिजल्ट कर सके। दूसरा जो मांग है कि बच्चे लगातार 3 बार पेपर देने, पहली बार पेपर देते हैं तब भी 22 नंबर रहते हैं, दूसरी बार पेपर देते हैं तब भी 22 नंबर है। मैं पूछता हूँ यूनिवर्सिटी प्रशासन से, ये कैसा संजोग है कि 3 बार पेपर देने के बाद भी 22 नंबर ही रहते हैं? इस गड़बड़ी को यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन ठीक नहीं करता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेगी। सर, मैं BSc छठे सेम का छात्र हूँ, अभी अभी मैंने परीक्षा दी है और मैंने कई एग्ज़ाम्स जैसे बैंक PO, HP यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कई लॉ के टेस्ट, PU के, DU के, यूनिवर्सिटी के टेस्ट मैंने अप्लाई किए हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब रूसा इम्प्लीमेंट हुआ था हिमाचल प्रदेश में, तो रूसा का अर्थ था राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, मीन्स एक शिक्षा को ऊपरी स्तर तक लेके जाके एक विद्यार्थी को हर संभव चीज़ दी जाए। लेकिन रूसा के नाम पर एक युवा पीढ़ी के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया गया है। अगर बात की जाए लोकसभा के मंत्रियों की, विधानसभा के मंत्रियों की या किसी और सभा के मंत्रियों की, तो हर मंत्री का बस यही रहा है कि युवा पीढ़ी को आगे तक लेके जाया जाए, परंतु ऐसा नहीं किया गया है। अगर मैं विश्वविद्यालय की रैंक की बात करूं तो 172 रैंक है इस वक्त विश्वविद्यालय की, तो विश्वविद्यालय का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। और विश्वविद्यालय के जब रूसा इम्प्लीमेंट किया गया है, रूसा से बार बार छेड़छाड़ की जा रही है। इस वक्त जो फर्स्ट ईयर में नया रूसा आया है, कहा जा रहा है कि वो ALE सिस्टम है, लेकिन मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये रूसा 3 इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, इनके भी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, CBCS क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। अगर मैं एक बार फिर इस बात को ढंग से बताऊँ तो क्रेडिट सिस्टम 132 क्रेडिट पे इस साल रूसा हमें डिग्री देने जा रही है। बात की जाए PU यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, या फिर हम नेट में देखे जाए यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री की, तो वो भी 120 डिग्री पे ऑनर डिग्री देते हैं, परंतु यहाँ पे 132 डिग्री पे ऑनर डिग्री दी जा रही है, जो कि बिल्कुल ही छात्र के साथ गलत है। अब बात की जाए रिजल्ट की, तो विद्यार्थी जब एक आध सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो अपने वो मार्क्स दिखता है, तो उसके 16 या 17 मार्क्स हैं। जैसे मैं बात करूं तो मेरे भी एक सब्जेक्ट में 16 हैं, 2 बार परीक्षा देने के बाद भी मेरे उसी सब्जेक्ट में 16 मार्क्स रहे हैं, बाकी मेरे और सब्जेक्ट क्लियर हैं। तो ये तो ऐसे नहीं हो सकता कि बार बार एक ही पेपर देने के बाद भी उसे व्यक्ति को 16 मार्क्स दिए जा रहे हैं। बात की जाए अगर सब्जेक्ट की, तो एक छात्र को पूरे BSc में 24 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं इस साल, लेकिन जैसे मैं हूँ, मेरे 23 क्लियर हुए हैं और एक बार बार देने के बाद मेरे को 16 नंबर दिए जा रहे हैं। तो अगले साल इसी महीने में मेरे 14 महीने एक सब्जेक्ट के लिए वेस्ट हो जाएंगे, जो युवा पीढ़ी के बहुत बहुत ही बड़ा भार है। जब एक युवा कॉलेज में जब एडमिशन लेता है तो वह कई खाफ के साथ लेता है। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं NCC सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, फिर भी बात की जाए तो ये टूटता जा रहा है युवा पीढ़ी का जो सपना है वो रूसा के अंतर्गत। धन्यवाद।
दिन जिला छात्र उद्घोष प्रमुख, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले पाँचवें सत्र का रिजल्ट निकला, उसमें 90% से ज़्यादा बच्चे फेल हैं। हमने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और प्रधानाचार्य महोदय जी के माध्यम से VC महोदय जी को ज्ञापन दिया। मेरा नाम समीर कुमार है और मैं BCOM का छात्र हूँ और सिबनर कॉलेज में पढ़ता हूँ। और मेरा थर्ड सेम का 3 बार पेपर देने के बाद भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा, हर बार 20-22 नंबर आ रहे हैं। और मेरी मांग है कॉलेज वालों और यूनिवर्सिटी वालों से कि उसको दोबारा से गड़बड़ी हुई उसको ठीक करें। धन्यवाद। 6 semester की छात्रा हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी से ये अनुरोध है कि हमारा 5th sem का रिजल्ट 3-4 दिन पहले आया, उसमें हमारे कॉलेज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 90% छात्रों को फेल किया गया और मैथ के भी 90% छात्रों को फेल किया गया। मैं यूनिवर्सिटी से ये अनुरोध करूँगी कि हमारा रिजल्ट जो है वो अपडेट किया जाए। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिन्हास की रिपोर्ट।